अच्छा वीएनसी भी देखो बेटा। स्ट्रक्चर के ऊपर हमें काम करना है, स्ट्रक्चर के लिए हमें जो भी बनाना है हमें स्ट्रक्चर कीवर्ड यूज करना होता है और उसके साथ जो है वो हमें उसका नाम लिखना होता है स्ट्रक्ट। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है एसटीडी मार्क, ठीक है। वेरिएबल बना लो मार्क वन के लिए एम वन, वेरिएबल एम टू, वेरिएबल एम थ्री, लाइक दिस। फिलहाल मैंने इनकी वैल्यू जो है वो बाय डिफॉल्ट क्या दी हुई है, जीरो दी हुई है, ठीक है। हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन गया है। इसके बाद आप यहाँ लेट करोगे, जो हमारे पास ये वेरिएबल होता है इसको आपने लेना है और इसके इक्वल करना है इस तरह राउंड ब्रैकेट को आके, जैसे हम फंक्शन करते हैं, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं M1 M2 M3 VNC भी देखो पहले। ठीक है, नॉर्मली अभी हमने 0 0 दिया हुआ है, तो स्ट्रक्चर के अंदर जो भी मैं यहाँ वैल्यू दूंगी ना और प्रिंट कराऊंगी मुझे इस तरह डिस्प्ले कर देगा। मैंने अगर इसकी वैल्यू कुछ भी रखी हुई है 70 रखी, ठीक है, इसकी मतलब स्ट्रक्चर बनाते वक्त ही मैंने इसकी वैल्यू इसको असाइन कर दी है, ठीक है, 50, लेट्स सपोज 90, ठीक है। तो ये सिंपल नंबर डिस्प्ले करेगा, नॉर्मली जैसे वेरिएबल्स होता है बस ये स्ट्रक्चर के अंदर है। अब इसका दूसरे तरीके कार स्ट्रक्चर का ये होता है, मतलब हम ये चाहते हैं कि हम जो मार्क्स है या जो भी हम नंबर्स हैं वो हम खुद इसको असाइन करें, तो हम इसको खुद भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब खुद असाइन करने के लिए होता क्या है कि हम किस तरीके से इसको असाइन करेंगे और किस तरीके से हमने इसको नंबर देने हैं, इसी के नीचे डिफाइन कर दे रही हूं मैं, दूसरे स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये सिंपल स्ट्रक्चर है, इसको यूज करते हुए आप इन तीनों वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब यहां हम नीचे बना रहे हैं वो हमारे पास दूसरा है स्ट्रक एसटीडी डेटा, सही है। अब मैं यहाँ इसके साथ वो बताऊंगी, क्या कहते हैं, डेटा टाइप भी बताऊंगी। मैंने कहा यहाँ पे नेम है वेरिएबल और इसकी डेटा टाइप है मेरे पास स्ट्रिंग है, सही है। वेरिएबल मेरे पास है ईमेल है और इसकी जो डेटा टाइप है ये भी मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। इसी तरीके से वेरिएबल है, ठीक है, HTML के नंबर्स हैं, लेट्स सपोज ये मेरे पास इंटीजर में है। वेरिएबल है
ठीक है, एसक्यूएल कॉलन, ये भी मेरे पास इंटीजर में वेरिएबल है मेरे पास, ठीक है। एक और सब्जेक्ट हम यहाँ लिख लेते हैं, लेट्स सपोज जावा है कॉलन इंटीजर, ये मेरे पास स्ट्रक्चर है कि भाई स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर कोर्सेस में हमारे पास ये है, ठीक है, नाम है, स्ट्रिंग है, ईमेल है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इसी के अंदर मुझे अब यहाँ डिफाइन करना है, स्ट्रक्चर के अंदर ही मुझे यहाँ डिफाइन करना है कि अगर ये मेरे पास स्ट्रक्चर कॉल होता है तो मैं इनको वैल्यूज कैसे असाइन करूंगी। तो वैल्यूज असाइन करने के लिए आप एक इनिशियलाइज का जो है वो बनाते हो मैथड टाइप का, ठीक है। और यहाँ आपके जो पैरामीटर्स हैं वो यही सारे पैरामीटर्स आएंगे, और इस ये इक्वल किसकी होंगे वो स्टेटमेंट हम यहाँ लिखेंगे। अच्छा, पहली बात है पैरामीटर की, तो पैरामीटर में मेरे पास पहला जो है वो क्या है, नेम है, नेम कॉलन इंटीजर ये रिसीव करेगा। दूसरा हमारे पास ये रिसीव करेगा ईमेल, अच्छा नेम हमारे पास स्ट्रिंग है ना, गलती से मैंने यहाँ इंटीजर लिख दिया, ईमेल है, ठीक है, एच टी एम एल कॉलन इंटीजर, एसक्यूएल कॉलन इंटीजर, और हमारे पास है जावा कॉलन इंटीजर। अब इसकी स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट स्टेटमेंट में हमारे पास क्या चीज आती है, सेल्फ मतलब इसी को कॉल कराओ, सेल्फ में मैंने कहा ये नेम बराबर किसके है, ये जो पैरामीटर का जो नेम है इसके, इसी तरीके सेल्फ डॉट ईमेल बराबर किसके, जो पैरामीटर में ईमेल है उसके बराबर है। इसी तरीके से ये जो सेल्फ वाला है ये ऊपर वाला है, ये जो है वो पैरामीटर है, ये आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, पैरामीटर का नाम, ऐसा कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये वाला जो कॉल हो रहा है वो इससे कॉल हो रहा है, सेल्फ डॉट से कॉल हो रहा है, ठीक है, सेल्फ डॉट एच टी एम एल, एच टी एम एल, सेल्फ डॉट एस क्यू एल, एसक्यूएल, सेल्फ डॉट जावा, जावा, ठीक है। अब हमारे पास ये इस तरीके से यहां पे चीजें आ चुकी हैं, सही है, स्ट्रक्चर हमारा जो भी है रन हो रहा है, सब कुछ है हमारे पास, ठीक है। अभी मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया हुआ, कहीं भी इसका इस्तेमाल नहीं किया हुआ, ये मेरा स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि ये मेरे अपने वेरिएबल्स हैं और इसके अंदर डिफरेंट तरह की चीजें डिफरेंट डेटा टाइप की हैं, ठीक है। इसमें आप फ्लोट भी रख सकते हो, दूसरी डेटा टाइप भी रख सकते हो। इसको इनिशियलाइज जब मैं कराऊंगी तो मैं ये वैल्यू इस स्ट्रक्चर को दूंगी, ठीक है, और ये जो है वो मुझे इन सबको वैल्यूज क्या कर देगा, असाइन कर देगा, ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है कि अब इसको इनिशियलाइज करने के लिए यहाँ बिल्कुल नीचे आ जाएंगे, इधर इधर अब हम यहाँ पे बना रहे हैं, जैसे ऊपर हमने बनाया था लेट करके हम यहाँ वेरिएबल करके बना लेते हैं। वेरिएबल मैंने कह दिया यहाँ पे एसटीडी, ठीक है, स्टूडेंट बराबर किसके है, जो भी इसका डेटा का नाम है, ठीक है, ये आपने स्ट्रक्चर का नाम हमने यहाँ पे रखा। और अब मुझे जो यहाँ पे अप्लाई करना है वो मुझे क्या अप्लाई करना है, इनकी वैल्यूज अप्लाई करनी है। तो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैं अब यहाँ पे क्या अप्लाई करूंगी, इनकी वैल्यूज। मुझे ये लिखना जरूरी है, पैरामीटर के जो हमने वहां पे नाम लिखे होते हैं ना वो लिखना जरूरी होता है, नेम कॉलन
ठीक है, इस तरह ईमेल कॉलन HTML colon S12 colon और Java colon, ठीक है। अब ये डेटा सारा दे दिया इसको, इसी लाइन में दे देते हैं। अब हम इसको प्रिंट करवा लेंगे। अब प्रिंट करवाने का तरीका बार वैसे ही है जैसे हमने ऊपर प्रिंट करवाया है, इस तरह, ठीक है ना। जो हमने यहाँ वेरिएबल लिखा है उसी को यूज करते हुए हम प्रिंट करा लेंगे। यानी प्रिंट मैं क्या लिखूंगी, एसटीडी डॉट नेम, इस तरह, सही है ना। अभी सिर्फ नाम प्रिंट करके दिखा रही हूँ। अब इसके साथ कुछ कॉन्केटिनेट करके लिखना है कि भाई ये आ रहा है लिखा हुआ, योर नेम लिखा हुआ जो आ रहा है इस तरह। तो यहां पे आप इस वाले को लेट सपोज मैंने कट करा, अब इधर मैं लिख दूंगी इन्वर्टेड कॉमा में स्टूडेंट नेम कॉलन स्लैश ब्रैकेट और इसके अंदर हमने पेस्ट कर दिया। इसी तरीके से बाकी की डिटेल आ जाएगी, एसटीडी ईमेल, सही है, समझ में आई बात। अब ये वैल्यूज तो मेरे पास फिक्स है, फिक्स है, मैं इसे यूजर से ले सकती हूँ। पहले इतना कर लो फिर मैं ये यूजर से बता दूंगी, चाहो तो सिर्फ इतना कर सकते हो। ऊपर वाला स्ट्रक्चर अगर नहीं करना तो ना करो, ये वाला कर लो, इतना नहीं, ये आपको करना है। इसके बाद मैंने आपको उसकी वो बतानी है GUI, सही है। अब आप यहाँ देखो मैंने जो ये लिखा है प्रिंट वाली लाइन, अब ये मेरे पास यहाँ आके रुक गया, सही है। एंटर स्टूडेंट नेम, ठीक है, ठीक है, स्टूडेंट नेम है ना, प्रिंट कर दिया इसने मुझे ये वाला नाम क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे ये पास कर दिया था। अब रहा सवाल ईमेल का, सेम यही चीज आपने कॉपी करनी है। यहां मैंने इसको पेस्ट करा, अब स्टूडेंट नेम की जगह पे मेरे पास ईमेल हो जाएगा और एन की जगह पे आप यहाँ पे ई दे दोगे और ये जो ईमेल है इसकी जगह पे आप क्या दे दोगे, ई, ठीक है। और प्रिंट कराने के लिए यही चीज कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेम की जगह पे ईमेल आ जाएगा। अब यहाँ पे दो आप यूजर से ले रहे हो, दो चीजें कौन कौन सी हैं, एक नेम है और एक ईमेल है, दोनों के वेरिएबल चेंज होने चाहिए, सेम नहीं होगा, दोनों स्ट्रिंग है इसलिए आगे का पैटर्न सेम है। ठीक है, आ रहा है मेरे पास, समझ गए, इस तरह। अच्छा ये भी नेम लिखा हुआ आ रहा है, मैंने इसको चेंज करके ईमेल करना है, सही है ना, ये भी यहां से चेंज होगा। अब रहा सवाल ये वाले मार्क्स के लिए, अब इंटीजर इनपुट लेने के लिए हम क्या करेंगे, है बिल्कुल इसी तरीके से आपका, एंटर स्टूडेंट ईमेल की जगह मैंने यहाँ लिखा है एंटर HTML वेट, मार्क्स, ठीक है। HTML के लिए मार्क्स के लिए मैंने M1 रखा पहला है। अब जहां जहां स्ट्रिंग है वहां वहां क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा।
ये दूसरे मार्क्स के लिए, ये तीसरे मार्क्स के लिए। एक HTML का हो गया, एक SQL हो गया और एक जावा हो गया, सही है। M1 हो गया, M2, M3। अब इधर भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, चेंज करेंगे यहाँ M1, M2, M3। डिस्प्ले के लिए आप आ जाओ सेम इसी तरीके से। ठीक है, स्टूडेंट HTML Smart SQL Smart Java Smart। अब ये चेंज हो जाएगा ईमेल से HTML SQL और Java। अब ये जितना भी है यूजर इनपुट पे, अब ये आपसे इनपुट लेना शुरू कर दिया। ठीक है, और अब ये डिटेल्स आ रही इस तरह। ठीक, बात समझ में आ गई, इस तरह ये चलेगा।